टिकटी की मदद से बेसन के सेवों कैसे बनाते हैं आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसको बनाना थोड़ा कठिन है, मगर आप सीख जाएंगे तो ये आपको इजीली बनने लगेगा। तो चलिए, कढ़ाई को गैस चूल्हे पर चढ़ाते समय ध्यान रखें कि कढ़ाई और दीवार में इतना गैप हो कि कढ़ाई पर टिकटी रखने पर टिकटी का हैंडल दीवार से चिपक जाए और सांचा जो है वो कढ़ाई के बीचों बीच आ जाए। इसके बाद सांचे पर डो डालकर डो को हथेली से अपनी तरफ से सामने की तरफ यानी दीवार की तरफ हथेली से रगड़ते हुए लेकर जाएं। इसमें टिकटी को संभाले रखने के लिए टिकटी को दीवार की तरफ से ही धक्का देकर रखें। ये ध्यान रखें कि टिकटी के चार हैंडल में से एक हैंडल को डो डालते समय पकड़ लें, बाकी आगे वाले दो हैंडल दीवार से लगे रहेंगे। आपका डो जितना सख्त होगा सेव उतने ज्यादा खस्ता, कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। मगर यदि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप डो को थोड़ा नरम ही रखिए, सख्त मतलब रोटी के आटे से थोड़ा सा नरम। अब जैसे जैसे डो नीचे जाएगा वैसे वैसे आपके सेव तेल में उतरते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये सेव तेल में आने लगे हैं। जब ऊपर का डो पूरा खत्म हो जाएगा तो हम इस तरह टिकटी को कढ़ाई में जोर जोर से बैलेंस बनाते हुए पटकते जाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा उलट पुलट कर अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए सेव बिल्कुल तैयार है और ये सख्त डो होने के कारण बहुत कुरकुरे बने हैं। ये देखिए हर बार उठाने पर जब मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसमें से कुरकुरेपन की आवाज अलग से आ रही है। ये देखिए ये आवाज आपने सुनी होगी। हर बार जब आप सेव छाटेंगे उसके पहले टिकटी को सादे पानी से अच्छे से साफ कर लें और टिकटी को थोड़ा गीला ही रहने दें और फिर उसके बाद उस पर डो डालकर इस तरह से फिर से छाटें। ये याद रखिए कि अपना हाथ हमारी तरफ से आगे दीवार की तरफ जाएगा इस तरह, और डो को जब भी खसकाएंगे तो आप हथेली की तरफ से खसकाएंगे। हथेली मतलब सिर्फ हथेली का इतना पोर्शन ही इस्तेमाल होना चाहिए जितना कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ इतना पोर्शन हथेली का इस्तेमाल होता है, पूरा हाथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको लगता है कि आपको बैलेंस नहीं बनेगा, आप अकेले नहीं बना पाएंगे, तो आप अपने साथ एक हेल्पर रखिए जो कि सनसी की सहायता से कढ़ाई को पकड़ेगा, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कढ़ाई अब खसकेगी नहीं और आप टिकटी से फटाफट सेव छाट सकेंगे। जब आपकी कढ़ाई नहीं हिलेगी तो आपको सेव छाटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सारा खेल कढ़ाई को बैलेंस बनाने का ही है। बस अगर आपने कढ़ाई पे बैलेंस बना लिया तो आप सेव आसानी से छाट सकते हैं। तो जब तक आप नहीं सीख पाते हैं तब तक आप सनसी से कढ़ाई को पकड़वा लीजिए और फिर सेव छाटिए। देखिए आपके कितने खस्ता कुरकुरे सेव तैयार होते हैं इस टिकटी की सहायता से। उम्मीद है आपको ये मेथड पसंद आया होगा।